कोरोना महामारी के बचाव को लेकर जहां सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दल आगे आ रहे हैं, वहीं झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतराम कौंडल की पहल से झंडूता विधानसभा क्षेत्र की जनता को घर जाकर कोरोना महामारी से लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। और इस समय देश में पड़ी आफत के समय में बाहरी राज्यों के फंसे मजदूरों तथा गरीब परिवार के लोगों को राशन व अन्य सामान भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी उन्हें बताया जा रहा है तथा लोगों को इसे डाउनलोड भी करवाया जा रहा है। उन्होंने झंडूता विधानसभा क्षेत्र की जनता एवं विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर 1,16,60,000 रुपए की राशि एकत्रित करके चेक एवं ड्राफ्ट के माध्यम से शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर एकत्रित की गई राशि का चेक और ड्राफ्ट एचपी कोविड-19 सॉलिडेटरी रिस्पॉन्ड फंड में पूर्ण विवरण सहित सौंपा है। जीतराम कौंडल ने कहा कि कोरोना महामारी के बचाव को लेकर अपनी विधायक निधि की मार्च माह में पूरी सैलरी भी इसी महामारी के बचाव के लिए रिस्पॉन्स फंड में वे दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि संकट की घड़ी में बिलासपुर के झंडूता की जनता का धैर्य व मनोबल अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के चलते झंडूता की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिला है और राजनीति से हटकर काफी लोगों ने उनका सहयोग भी किया है। वहाँ सहयोग की बात में तो ये कहता हूँ, ये मुझे बहुत ही अत्यधिक सहयोग मिला। लोगों ने बहुत धन इकट्ठा किया, मास्क बांटे, कोरोना उसके लिए जो आयुष की ऐप थी तो कोरोना को एक स्टेटस जानने वाली वो डाउनलोड करने में हम हर एक क्षेत्र में गरीबों को राशन से लेके मास्क बांटने तक और धन्यवाद प्रस्ताव जो कोरोना योद्धा हमको देने थे, सब ने लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। और मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को 1,16,59,268 रुपए का चेक और ड्राफ्ट भेंट किए और इसमें 1 करोड़ रुपए जो है सात लाई बाबा बालकनाथ मंदिर की तरफ से जो था, और मैंने अपने मार्च महीने की सैलरी जो 2,10,000 रुपए थी वो भी मैंने अंशदान दिया। बहुत ही महिला मंडलों ने और बड़े कफ जो एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड है उसमें देंगे, और मुझे पूरी आशा है कि झंडूता चुनाव क्षेत्र की जो जनता है वो मुझे जितना सहयोग उन्होंने दिया उसको मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा देती है सहयोग, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उनको जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सहयोग देते हैं, इतना मेरा मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए मैं जितना भी मैं कर सकता हूँ वो हमेशा मुझे कम लगता है, और मैं प्रयास करता हूँ कि लगातार उस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ और उनका मुझे मार्गदर्शन व आशीर्वाद लगातार मिलता रहे, और मुझे पूरी आशा है भविष्य में भी मिलेगा।